गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ क्योंकि अभी तक हम लोगों ने थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की एंड एकदम से प्लान बन गया कि बाजार जाना है। मुझे भी थोड़ा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो सामान था वो लाना था, तो पापा और अनुज जा रहे थे, इन्होंने कहा मुझे कि चल पर फिर तू भी, तो मैंने कहा ओके, क्योंकि अनुज नहीं ला पाने थे वो सामान। अनुज तो थे कि मैं ले आऊँगा, फिर पापा ने कहा चल पड़ो आप भी रेडी, झट से आ जाएंगे। तो बस रेडी हो गई हूँ और निकलते अब हम। तो आज ना इतने जल्दी जल्दी रेडी हुई ना मैं कि मतलब 2 मिनट में मैं ना तैयार हो गई होगी। मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था पहले आने का, तो मतलब मुझे अपने शूज़ वगैरह लेने थे, तो अनुज ने कहा कि अब मैं ही ले आता हूँ। बट पापा ने कहा कि कैसे पता चलेगा नंबर का ना, मतलब थोड़ा बहुत हो ही जाता है छोटे बड़े, तो आप खुद ही चल पड़ो। तो मैं इतने फास्ट तैयार हुई ना, आई थिंक 2 मिनट में मैं मतलब बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो बस अभी हम बाज़ार पहुंचने ही वाले हैं जस्ट। तो अभी ना जैसे फिलहाल तो कुछ खा नहीं सकते, तो हमने सोचा चलो गोलगप्पे खा लेते हैं। और रोड से ना हम वापस आ गए, तो रास्ते में गोलगप्पे वाले दिखे, मुझे चलो गोलगप्पे खा लेते हैं, मैंने तो खा लिया, बस अनुज भी खा ही रहे। तो आज ना अभी देखो हम ना वो खा रहे थे, क्या कहते हैं, क्या खा रहे थे, पेस्ट्री। तो अभी हम ना पेस्ट्री खा रहे थे और जस्ट अभी याद आया व्लॉग बनाने का कि अरे यार आज पता क्या हो रहा है, जब हमने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे खा के ना मतलब गोलगप्पे खा लिए थे, फिर हमें याद आया कि हमें व्लॉग भी तो शूट करना है। आज पता नहीं क्यों बिल्कुल ध्यान में नहीं रह रहा, तो खा लिया, बस थोड़ी सी क्रीम बची हुई इसमें, बस यही बची थी। क्या हो गया था अनुज अभी आपके साथ? थोड़ी सी हवा कम हुई, थोड़ी सी हवा कम। ओके, और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे रेन शेल्टर के पास, और यहाँ पे थोड़ी सी टायर में हवा कम हो गई थी फर्स्ट वाले टायर में। सुरेश को दे दिया क्या? दे दिया ना सर? सारा दे दिया है। हम जाएंगे कल। हाँ, सामान वगैरह ले लिया है एंड हम लोग भी जाएंगे, हम लोग जाएंगे मेरे घर कल, और अभी चल जा रहे हैं ससुराल वापस। कल जाएंगे मायके। खुश हो जाती है चिंकी मायके। क्या क्या थोड़ा जोश बोलो। खुश हो जाती है चिंकी मायके के नाम से। या कौन खुश नहीं होगा? मैं क्योंकि अनुज को पता क्या होता है, अनुज बोलते हैं ना जब ये तुम्हारी सड़क आएगी ना सबसे ज्यादा खुशी तो ना मुझे होगी, ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा ओके आपको तो होगी, बहुत चलना पड़ता है ना। चलो चलो। 3 बजे के करीब हम घर पहुंच गए थे और उसके बाद मैंने बाथ वगैरह लिया, क्योंकि ना आजकल जैसे मौसम वैसे ही बहुत तेज़ धूप होती है और धूल मिट्टी बहुत हो गई है, तो आके बाथ वगैरह लिया एंड इतना ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है ना, एक तो एकदम से प्लान बन गया, फिर इधर उधर भाग दौड़ में इतना ज़्यादा थक गए। तो आज शाम के डिनर की प्रेपरेशन भी करनी है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा धनिया लेके आती हूँ, क्योंकि अनुज ने कहा था कि थोड़ा सा धनिया ले आई हो। खुद अभी अनुज गए हुए स्प्रिंकलर लगाने और वक्त मैं भी जाती हूँ, बट मुझे थोड़े से कपड़े धोने को थे तो मैंने कपड़े वगैरह धो लिए हैं एंड हम जाते हैं कोरिएंडर लेके आते हैं। यहाँ पे ना हमने अरबी भिजी हुई है क्योंकि हमें था कि यार हमें ना पतीड़ खाने होते हैं, तो बिना हमने तो पार बिजी होती, मतलब मेरे मायके में तो बिजी होती है, तो इस बार मैं मायके से ससुराल भी लेके आ गई हूँ क्योंकि मुझे ना पतीड़ वैसे ही बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा हमने 6-7 जो है क्यारियाँ बनाई हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर बिल्कुल गोबर की मल्चिंग कर दी हमने अच्छे से। और अभी जो हमने खुद धनिया बीजा था ना वो तो अच्छे से हुआ नहीं है, बट यहाँ पर 2-4 पत्ते हैं उनको लेने आई हूँ मैं। और यहाँ पर धनिया काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, देखो इतना बड़ा बड़ा धनिया है। ये पत्ते क्यों लाए? ये घास है, मैं इस घास को ना चटनी में डालने वाली हूँ। घास नहीं है, मेरे को पता है। ये ना जो गार्लिक है ना, गार्लिक के पत्ते हैं, और गार्लिक के पत्ते ना बहुत टेस्टी होते हैं चटनी के बीच, पर हम अपने घर में तो बहुत बनाते थे, बहुत टेस्टी होती है। बट अनुज ने मुझे ज्यादा निकालने दी, बस दो लाइए, दो ही पत्ते लाई मैं गिन के, क्योंकि चटनी भी थोड़ी सी बननी है। सो अब शाम की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आटा तो गूंद के रख लेती हूँ। ना हम लोग जो है चटनी की प्रेपरेशन करने लग गए हैं। ये मैं काट रही हूँ चुलोल, हमारे पहाड़ी भाषा में इसको चुलोल कहते हैं। मैं हर व्लॉग में बताती हूँ कि एप्रिकॉट से बनता है ये, इसको कट कर रही हूँ एंड अनुज टमाटर कट कर रहे हैं एंड हमने जो है मिंट भी ले आई है, ये देखो ढेर सारी मिंट लाई है
और धनिया लाया है, ये जो है गार्लिक। हाँ हाँ, बस मैं इसको छानती हूँ अभी, हो सकता है इसमें कीड़े हो। और इसमें हम ना दो आलू भी डालेंगे आज। तो अभी क्या हुआ ना, मैंने अनुज को कहा कि मुझे बनाने दो सब्जी। सब्जी तो क्या, हम मतलब बिना तड़के वाली ही आलू का बना रहे हैं। तो अनुज ने कहा तुझे नहीं आएगी, मैं बनाता हूँ। तो लगे हुए बनाने, पता नहीं क्या ही खिलाएंगे मुझे आज। चलो देख, थोड़ा सा टेस्ट कर लो फिर नमक। ओके देखो, बताओ जरा कैसी कैसी बनाई आज आपने ये टेस्टी सी। पहले मैंने आलू डाले, गरम घी किया था वो ऊपर से डाल दिया इसमें, और उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च डाली और धनिया और टमाटर डाल दिए। हाँ, काफी अच्छी लग रही है देखने में भी। लो, अब फटाफट से चटनी बना देते हैं, बना दो सॉरी। तो कहते हैं ना कि बहुत टेस्टी खाना नहीं बनाना चाहिए किसी को, जो बहुत टेस्टी खाना बनाता है ना फिर उसे ही बनाना पड़ता है। इसको ना बंद कर दो। ओके तो आ रही है नींद, बट अनुज का है रोज का फ्रूट्स, तो मैं मना कर रही थी कि रहने दो, भी नहीं खाते हैं। देखो तो लग गया अपनी कटिंग कटिंग। सो वो देखो टीवी पे लगा हुआ है मैच, एंड क्या खाएंगे हम वाटरमेलन। तो हम लोग ना बिल्कुल रेडी हो गए हैं, एंड बस थोड़े बहुत मुझे बाल वगैरह बनाने हैं, एंड बस हम रेडी हो गए जाने के लिए। और बाहर ना मौसम इतना खराब हुआ है कि बहुत बारिश हो रही है। हम लोगों का प्लान था पहले कि हम शाम को जाएंगे 4-5 बजे के करीब, बट क्या हुआ ना मौसम खराब है, तो अनुज का है कि यहाँ नीचे कहीं रोड वगैरह बंद ना हो जाए तो टाइम से निकल जाते हैं। तो इसलिए पहले मैं फटाफट से तैयार होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली अब हम ना निकल गए हैं मेरे घर के लिए, और अभी ना मौसम भी ठीक हो गया। हमारा था कि जितना तक बारिश लगती हम निकल जाए, अभी तक खूब बारिश हुई और हमारे जाने के लिए बारिश रुक गई। बट ये है कि 12 बजे से ना बहुत तेज़ बारिश बोल रहे हैं, अब पता नहीं। तो वैसे तो मैंने अम्ब्रेला वगैरह डाले हुए हैं, अनुज तो मना कर रहे थे नहीं लगती, मैंने कहा कोई पता नहीं है मौसम का। यार मौसम देखो सुबह कितना खराब था, ठीक हो गया इसलिए बोला। अभी जब हम बाहर निकले ना तब तक बारिश लगी हुई थी, फिर मतलब हम थोड़ा कुछ सामान भूल गए थे, बस वही सब पैकिंग में लग गए दोबारा से, तब तक मौसम साफ हो गया। साफ तो नहीं हुआ, सुबह देखा 5 बजे गहरा काला हुआ था। अरे हम ना सुबह 5 बजे उठे और 5 बजे मौसम के हाल पता क्या, बिजलियाँ कड़क रही थी। उफ, फिर जैसे ही हम अंदर अपने रूम में पहुंचे वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो निकल गए हम घर के लिए, और पता क्या, अब अभी हमारे साथ रास्ते में ना आते आते दोनों छोटे छोटे पपीज थे, बट एक को ना चेन से मतलब बांधा हुआ था, और वो ना बिल्कुल हमारी गाड़ी में ना अंदर ही आ गया था। पता नहीं किसने उसके गले में चेन डाली डाल के रखी हुई है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। छोटा सा है वो बेचारा, ऐसे ना फुदक फुदक के जा रहा था। तो ये होता है ना, अगर रखो डॉगीज तो ना उनकी केयर करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बिल्कुल रखा है तो बड़ा प्यारा सा डॉगी था, आई थिंक वो छोटा सा जर्मन शेफर्ड है ना। हाँ जर्मन शेफर्ड भी आ गया। हाँ मक्खी तो आ गया, और वो जर्मन शेफर्ड था इतना प्यारा सा, बट वो ना मौसम बढ़िया से खुल गया है, अच्छे से धूप लगनी स्टार्ट हो गई है। चलो बढ़िया, हाँ पता अभी दिखाती हूँ कहाँ का डर था अनुज को कि यहाँ पे गिर सकता है। यहाँ मेरे को डर लगा था कि कहीं शायद से गिर ना जाए, गिरा तो है यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे ना बड़ा रिस्की है। हाँ अगर सच में थोड़ी सी और बारिश लगती ना तो ये सारी कीचड़ ना आगे आ जानी थी रोड पे। जब तक साफ नहीं तब तक
हम लोग पहुंच गए रोड में और हमने जो है गाड़ी लगा दी अपनी साइड में। एंड देखो मैं ना इसको कह रही थी कि जैकेट रहने दो, एक मतलब अपनी कोई स्वेटर वगैरह पहनो। नहीं मैं जैकेट करूँगा। अब देखो ना मतलब ऊपर से आते हुए ही बंदे ने उतार दिया जैकेट, और पहन लो इसको। नहीं इतना भारी बैग है ना ये इनके पास, खुद पता चलेगा आपको। चलो ठीक है गाड़ी। हाँ ठीक है, कुछ गाड़ी कर दी लॉक। पत्थर तो नहीं लगाने थे इसमें पत्थर, मेरा फोन ही ना छूट जाएगा। और अनुज को मैं मना कर रही थी पानी के बीच आने से, अभी देखो आ जाओ। इसमें ना जो पत्थर डाले हुए इनके ऊपर पानी आ गया है, गिरना नहीं वो। एक ये बैग इतना भारी है ना पीठ पे, आराम से आराम से। वेरी गुड, इस बीच वाले पत्थर पे लगाओ। हाँ तो फाइनली हम लोग जो है मेरे घर पहुंच गए हैं, और हम लोगों के पास ना एक तो बहुत भारी है मतलब बहुत ही भारी बैग था तो अनुज ने चक्का हुआ था, बट मम्मी ने जो है प्रदीप को रख लिया था नीचे पुल के पास तक, वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे तब तक प्रदीप पहुँच गया था, तो हमारी काफ़ी हेल्प हो गई थी। वरना हम लोग पर इतना भारी बैग था, हम लोग ना बहुत लेट पहुँचने थे, वो आ गया बेचारा, तो हम थोड़े फटाफट से आ पाए ऊपर। और बस जस्ट अभी मैं जूस पी रही हूँ एंड साथ में पापा वगैरह के लिए चाय बना रही हूँ, तो आज मेरी चाय उबल गई है। तो अभी ना हम किचन में बैठे हुए हैं, आराम से अपनी चाय वगैरह पी रहे थे एंड अब मुझे ना पता नहीं क्यों थोड़ी सी नींद जैसी भी आ रही है। सो ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।